ये देखिए बने हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब दही भल्ले की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। ये खाने में जितने ज़्यादा टेस्टी होंगे ना, बनाने में उतने ही ज़्यादा आसान होंगे। आज की इस वीडियो में उन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे जिन्हें फॉलो करके आप चाहे दही बड़े बनाएंगे या चाहे दही भल्ले, हमेशा वो बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार आज की इस रेसिपी को फॉलो करके आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं मूंग की दाल और उड़द की दाल, दोनों मैंने सेम क्वांटिटी में ली हुई है। इसे मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले पानी में सोख होने के लिए रखा हुआ था और अब ये बढ़िया तरीके से फूल करके और रेडी हो चुके हैं। आप अगर चाहो तो इनकी क्वांटिटी को आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने अनुसार। अगर आप उड़द दाल कम चाहते हो या फिर मूँग दाल थोड़ी कम चाहते हो, उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मैंने दोनों इक्वल लिया है। अब क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लिया है और इसमें हम ये दोनों दाल डाल देंगे। इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ हरी मिर्च, 4 मैंने हरी मिर्च दी है, साथ ही में अदरक का टुकड़ा ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं या थोड़ा कम तीखा, उस अनुसार। और यहाँ पर मैंने कर लिया है दाल को बढ़िया तरीके से ग्राइंड। ये देखिए दाल हमारा बिल्कुल बारीक बढ़िया ग्राइंड होकर के तैयार हो चुका है। इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं क्योंकि अब आने वाला है वो टाइम जब हमें बिल्कुल बढ़िया से मेहनत करनी होगी। अक्सर यहीं पे लोग गलती करते हैं जिनके कारण उनके जो दही बड़े बनते हैं या दही भल्ले वो सॉफ्ट नहीं बन पाते हैं। क्या है वो पॉइंट, चलिए आगे बात करेंगे वीडियो में। उससे पहले मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ज़रा सी हल्दी का पाउडर और ज़रा सा हींग, डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा हींग और टेस्ट भी फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। और बस क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को मिलाना है, और सिर्फ मिलाना नहीं है, बढ़िया से मिलाना है। और अक्सर लोग कम मिलाते हैं, ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करते, जिसके कारण आपके जो दही बड़े बनते हैं वो सॉफ्ट नहीं बन पाते हैं बढ़िया तरीके से। इसे तकरीबन आपको लगातार एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंटना होगा, तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है या फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा स्पीड से मिक्स कर रहे हो या थोड़ा स्लो स्लो मिक्स कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपका ये टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। बट ध्यान रखिए कि आप या तो क्लॉकवाइज घुमाएं या तो एंटी क्लॉकवाइज, और उसी एक डायरेक्शन में आपको लगातार चलाते हुए से मिक्स करना है। पता कैसे चलेगा, एक तो मिक्स करते करते ये काफ़ी लाइट हो जाएगा, वो आपको फील होने लगेगा। वरना आप क्या करना, एक कटोरी में आप पानी लेना और उसमें थोड़ा सा ये मिक्स डाल करके चेक करना, अगर ये इस तरीके से तैरेगा ना, यानी कि परफेक्ट मिक्स है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी बिखर रहा है, अच्छे से तैर नहीं रहा है, यानी कि आपको और मिक्स करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कभी भी गलती ना करें वरना आपके दही बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमारा जो मिक्स है ना, वो बन करके तैयार हो चुका है भल्ले के लिए। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है क्योंकि हमें इन्हें फ्राई करना है। अगर आप थोड़ी बड़ी बड़ी दही बड़े के साइज में बना रहे हो तो थोड़ी बड़े बड़े बनाना। मैं भल्ला बना रही हूँ ना, तो मैं थोड़ी छोटी छोटी बॉल्स यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। आपकी कढ़ाई में एक बार में जितना स्पेस हो आप उतने भल्ले डाल दें उसमें, और फ्लेम हमारा हाई रहेगा, हाई फ्लेम पर इसे बढ़िया तरीके से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। दही भल्ले एक ऐसी डिश है ना, जो सिर्फ त्योहारों पर ही नहीं बल्कि अगर आपके घर में गेस्ट आ गए हैं, कोई छोटा मोटा ओकेशन है, या फिर अगर आपको कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, कुछ टेस्टी सा, तो दही बड़े बेस्ट ऑप्शन होते हैं क्योंकि इसमें हर फ्लेवर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बैच का मेरा दही भल्ला के लिए जो हमारा भल्ला वाला बॉल है वो बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुका है, बहुत बढ़िया गोल्डन हुआ है। इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से ना हम बाकी सारे जो हमारे बचे हुए उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो सारी बॉल्स को मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए तोड़ कर तो दिख ही रहा है, इसके साथ अगर आप देखोगे इसके अंदर तो बहुत ही बढ़िया जालियाँ बनी हुई हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो दही भल्ला बना है वो कितना बढ़िया सॉफ्ट बना है। अभी ये आधी प्रिपरेशन है, आधा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे आपको करना होगा, जिससे आपके दही बड़े या भल्ले लंबे समय तक सॉफ्ट रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी लिया है और इसमें मैंने ज़रा सा नमक और हींग डालकर मिला दिया है। और अब क्या करेंगे कि सारा जो दही भल्ला हमने फ्राई किया था ना, वो हमें इसमें डाल देना है और इसे बढ़िया से मिक्स कर देना है। अब अगर आप चाहो तो डायरेक्टली फ्राई करके आप तुरंत इसे पानी में डाल देना, या फिर अगर आप चाहो तो पूरे भल्ला को फ्राई करके उसे आप थोड़ा ठंडा कर लेना, इसके बाद पानी में डाल दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पानी में आपको कितने देर रखना है, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे तक लगातार छोड़ ही दिया। मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट्स रखने होंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं, इसके बाद आप सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल करके अलग कर लो।
अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें दही बड़े अभी नहीं बनाने हैं, कुछ टाइम बाद बनाना है, तो भी क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो यस, आप इसे निकाल सकते हो और इसके बाद आपको जब भी दही बड़े बनाने हो तो बस आप दही बड़ा रेडी कर सकते हो। और इधर दही बड़ा को चटपटा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हुई हैं, जिसमें मैंने ली हुई है इमली की खट्टी मीठी चटनी, साथ ही में काला नमक है, चाट मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, वे जीरा का पाउडर है, थोड़ी सी ये सेव भुजिया ली हुई है और साथ में मैंने लिया हुआ है हरी धनिया की तीखी चटनी। और इधर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है दही, जिसमें मैंने बिल्कुल बढ़िया से चीनी का पाउडर डाल के और उसे बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया है स्मूथ होने तक। चलिए फटाफट से हम अपनी प्लेटिंग करते हैं दही भल्ले की। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम दही भल्ले डाल देंगे एक बार में आपको जितने सर्व करने हैं, और इसके बाद इसमें दही डाल देंगे। दही में जब आप मीठी चीनी डाल दोगे, मतलब चीनी तो मीठी ही होती है, मतलब चीनी डाल के जब आप मीठी दही बना दोगे और उससे जब आप दही भल्ले या बड़े बनाओगे तो उससे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अच्छी मात्रा में दही डाल देने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है हरी धनिया की तीखी चटनी, साथ में खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए इमली की चटनी, और इसके बाद बाकी जो मसाले थे वो सभी हम इसमें डाल देंगे। देख करके अभी से ही मुँह में पानी आ रहा है ना। और साथ में क्या करेंगे ना कि आप इसमें थोड़ी सी सेव भुजिया डाल देंगे। वो जो बारीक वाली सेव भुजिया होती है ना फ्रेंड्स, आप उसका इस्तेमाल करिए, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास यही वाली थी तो मैंने ये डाल दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो अनार के दाने भी डाल सकते हो, वो भी इसमें बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो दही बड़े हैं किस भी तरीके से बनाओ बहुत अच्छे लगते हैं, बस पॉइंट ये है कि वो सॉफ्ट होने चाहिए। और सॉफ्ट होने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको बैटर बनाने वक्त ध्यान रखना है। जब आप उसे मिक्स कर रहे हो थोड़ी मेहनत लगेगी, तो आपको उस चीज़ को पेशेंस के साथ करना है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपका एक बार मिक्स परफेक्ट रेडी हो गया तो आपके दही बड़े या भल्ले 100% सॉफ्ट बनेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अच्छे तरीके से बैटर को मिक्स करें। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप उन्हें फ्राई करने के बाद हींग और नमक के गुनगुने पानी में ज़रूर से डालिएगा। ये लंबे समय तक आपके दही बड़े या भल्ले को सॉफ्ट रखते हैं। तो देखिए, जब तक मैंने आपके साथ टिप शेयर किए तब तक मेरी यहाँ पर एक और प्लेट लग चुकी है दही भल्ले की। तो अब मैं जा रही हूँ इसे अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सॉफ्ट कितने बने। पहले तो मैंने आपको दिखाया ही था, इसके साथ आप अभी देखो कट रहा है ना बहुत ही आसानी से। तो आ गया आपके मुँह में पानी। तो वेट क्या कर रहे हो, किसी त्यौहार की ज़रूरत नहीं है, बस जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करे ना तो बना लेना चाहिए। तो जाइए बनाइए और अपनी पूरी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करिएगा। मिलूंगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।